फाइनली फ्रेंड यार हम लोग पहुंच चुके हैं, तो जो मास खड़ी है जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, नमाज के बाद आप लोगों से मिलते हैं। शाल तो भी पहले अंदर आई हो? फर्स्ट टाइम आई जी? ओए शाल फर्स्ट टाइम आई है जी मोस्ट के अंदर। सामने वाली सीढ़ियों से उतरते साथ ही यहाँ पर जी लाइब्रेरीज इस तरफ भी, और जो है ना इस तरफ भी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। यहाँ पे सामने जो है वो दावत रिसर्च लाइब्रेरी है। तो ओए होए 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 ये देखो जी बंदर, हेलो कैसे हो, पटा ना मार दे कहीं ऊपर कैसे आगे कर रहे हैं चलो ओए होए मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा एकदम ऊपर छलांग ना लगा दे, हो गया गया। ये दो तीन है यहाँ पर, खाली एक समय गया उसमें करते हुए गया, ऐसे आवाज निकालते हुए। एक और भी आ गया ओए यहाँ पे कितने यार, कितने ज्यादा हैं। अच्छा ये सारे एक ही दरख्त पे आग बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेलो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यार फ्रेंड, तो आप लोगों को बताते चलूँ कि यार अर्जेंट यार बस आज निकलना पड़ गया है। तो हम लोग बेसिकली आज जा रहे हैं फैसल मॉस्क। तो मेरा इरादा ये था कि यार आज जुम्मे, तो उधर जाके हम लोग जुम्मे की नमाज अदा करेंगे। तो बस यार इस टाइम हो रहा है तकरीबन एक, तो यहाँ पर ही बस गए क्योंकि यार 12:30 बजे तक तो सिस्टर को ले के आते, और तकरीबन आधा घंटा तो हमें लगा तैयार होते होते। तो बस यार अभी हम लोग निकल चुके हैं, तो बस आप लोग दुआ करें कि यार जल्दी से हम लोग वहाँ पर पहुँचें और नमाज जो है ना बाजमात अदा कर लें तो अच्छी बात है, और अगर ना कर सके तो फिर क्या कर सकते हैं यार, फिर बाद में अपनी पढ़ लेंगे, फिर मजबूरी अब क्या कर सकते हैं। तो टाइम बहुत शॉर्ट है, तो चलो अब जल्दी से चलते हैं, सो लेट्स गो। दूसरे नंबर पे ये है कि हम लोग अभी बरगल्ला वाली साइड से जो है ना यहाँ पे जो न्यू मोटरवे बना ना, हम लोग वहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। तो उधर जल्दी पहुँचेंगे, और बाकी माशाल्लाह सीन भी आगे काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का आ रहा है। साथ बरगल्ला की जो है ना पहाड़ियाँ शो हो रही हैं, आप लोग देख सकते हैं साथ, बड़ा एक किस्म का जो है ना हैवी सीन है। बस अल्लाह करे यार जिस मकसद के लिए हम लोग जा रहे हैं बस पहुँच जाए तो अच्छी बात है, बाकी फिर यह है कि बस खुद जुआ पढ़ लेंगे तेरी बात है, फिर क्या कर सकती हैं। बरल यार एक तो जो है ना पक्का सीन भी नहीं था ना कि यार हम लोगों ने वाकई निकलना है कुछ ऐसा वैसा है, क्योंकि 12:30 बजे आ रहे थे, मुझे जो है ना वो एक तरह का ये था कि यार अब 12:30 बजे आएंगे और हमने 1:30 बजे जुम्मा भी वहाँ पे जाके अदा करना है तो कैसे होगा, बट अभी देखते हैं जो भी है सर। तो चलो आप यार फ्रेंड, तो आप लोग बताता चलूँ कि भाई जान ये सारा सीन देखने के बाद मेरे को लग ही नहीं रहा कि यार मैं टेक्सला शहर में ही मरगल्ला वाली साइड से कहीं आगे पीछे जा रहा हूँ। इतनी खूबसूरत जगह, वाह 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 क्या कहने यार, ऊपर से पहाड़ियाँ माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, और ऊपर से ये माशाल्लाह इस साइड पर ये जी घर सारे इतना हैवीली, वो सामने देखो यार। यार फ्रेंड आप लोगों को बताता चलूँ कि बस थोड़ा सा जो है ना 5-6 मिनट का जो है यहाँ से मुसाफरत है, लेकिन इस टाइम 1:35 हो चुके हैं। यार क्या करें, टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी और मेरा कसूर नहीं है भाई जान, बस कुछ सिचुएशन ही है ऐसी। तो जल्दी से आके वीडियो को लाइक करो और फिर हम लोग पहुँच के आप लोगों से मुलाकात करते हैं। सो फाइनली फ्रेंड यार हम लोग पहुंच चुके हैं, तो जो नमाज खड़ी है जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, नमाज के बाद आप लोगों से मिलते हैं जी। तो फ्रेंड आप लोगों को बताता चलूँ यार इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज अदा कर ली है और हमें ज्वाइन कर लिया है शाल ने, तो शाल अभी हमारे साथ यहाँ पर बैठी हुई है इस टाइम मस्जिद के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है, सामने मिंबर है और बाकी जो है यहाँ पर
जी मॉस्क। शाल कभी पहले अंदर आई हो? फर्स्ट टाइम आई थी। शाल फर्स्ट टाइम आई है जी। अभी आप लोगों को यार इसका व्यू भी दिखाते हैं अंदर का। मैं इसलिए ऊंचा नहीं बोल रहा क्योंकि यार ये एक तहजीब के खिलाफ है। मस्जिद के अंदर थोड़े आदाब होते हैं, आदाब फॉलो करने चाहिए, तो इसलिए मैं आहिस्ता से बोल रहा हूँ क्योंकि आसपास लोग नमाज अदा करें। तो चलिए अभी आप लोगों को सारा व्यू दिखाते हैं मस्जिद का। सो लेट्स गो। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत है मस्जिद यार। माशाल्लाह देखो ज़रा, लोग यहाँ पे खड़े हैं, कुछ कुछ ने नमाज अदा कर ली है, कुछ पिक्स वगैरह बना रहे हैं और कुछ नमाज अदा कर रहे हैं। तो बस ये कुछ चल रहा है। आप लोगों को ये टॉप का व्यू भी दिखाते हैं ये सारा। ओए होए 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 होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें। और वो ज़बरदस्त सीन है वो सामने देखें, वहाँ पर है जी मेहराब। तो है जी ईशाल। तो ईशाल नमाज पढ़ लिया आपने? चलो जी नमाज वगैरह पढ़ लिया। तो चलो अब हम लोग निकलते हैं ईशाल बाहर की तरफ, ऐसे ही है ना। चले फिर हम लोग चलते हैं बाहर, जाके फैमिली को ढूंढते हैं कि फैमिली किस जगह, क्योंकि हम लोग आ गए थे जल्दी कि यार चलो नमाज अदा कर लेंगे, लेकिन हम लोग नहीं कर सके, थोड़े लेट हो गए। तो फिर हमने कहा चलो यार अंदर जाके नमाज अदा करते हैं और फिर जो है ना बाकी सीन बाद में कैप्चर करते हैं। बस नमाज अभी पढ़ लिए, तो मैंने कहा चलो यार जल्दी से बाकी सीन कैप्चर करते हैं। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा कर लिए, तो अभी चलो जल्दी से हम लोग बाहर चलते हैं। सो लेट्स गो। ए फ्यू मिनट्स लेटर। फ्रेंड यार आप लोग को बताते चलें कि यार इस वक्त हम और ईशान अभी हो चुके हैं फ्री। तो यार अभी बाहर रहे हैं, तो यार अभी अपनी फैमिली नहीं मिल रही, तो बड़ी टेंशन वाली बात है। ईशान हो चुकी है इस टाइम परेशान। तो ईशान कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग जाके उनको कॉल शेयर करते हैं कि कहाँ पे हो यार अभी मिलो। और ईशान जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम। तो चलो यार उनको जाके ढूंढते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड यार ये पूरी जगह आप देखते हैं जल्दी से यार, वो देखते हैं हो सकता है अपनी फैमिली यहाँ पर ही कहीं हो। आई होप यहाँ पर ही होगी, बट थोड़ा डिफिकल्ट भी है, हो सकता है नीचे। क्या हुआ? कोई पता नहीं है। हाँ कोई पता नहीं है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, अभी देखते हैं हम। मैं और ईशान देख रहे हैं तो मिल जाएंगे, इधर ही होंगे। उन्होंने जाना किधर है? या इधर नहीं होंगे तो फिर नीचे होंगे। तो चलो यार ढूंढते हैं उनको पहले, और फिर बाद में जो है ना वीडियो वगैरह शूट करते हैं। आप लोगों को बताता चलूँगी यार बड़ा एक शुगल हुआ ना यहाँ पे, क्या नाम है, शहद की मक्खियाँ पे रही थी यहाँ पे, शहद की मक्खियाँ भी रही ना। तो वो एक आके मुझे सिमट गई, ये जनाब साहब छोड़ डाले। ओ ओ बोला अल्लाह खैर करे, सारे मेरे पास नशे नशे हैं। क्या क्या हुआ भाई मुझे बताएं आप? मैंने कहा कि यार पता नहीं है, ये कह रही है कोई मक्खी। अभी तक डरी हुई है ये देखें जनाब साहब, कभी ऐसे करके पीछे मोड़ के देख रही है, कभी इधर देख रही है, कभी इधर देख रही है कि यार पता नहीं एक अटैक ना कर दे। तो मेरे तो ऐसी नहीं लग रही कदम बताया कि वो सीन जितना बहुत ज़बरदस्त है। तो फिर जनाब साहब अभी ऐसा सीन है कि यार पता किया मैंने कॉल करके ना, तो वो लोग पढ़े हैं नमाज। तो मैंने कहा चलो यार अभी जो कल वाली वीडियो भी अभी तक एडिट नहीं की यार, चलो अभी यहाँ पे बैठे बैठे करते हैं जब तक लोग नमाज पढ़ रहे हैं, और फिर बाद में जो है ना फ्री हो गए फिर ब्लॉग आगे स्टार्ट करते हैं। तो सो लेट्स गो। फ्रेंड यार फैमिली ने हमें ज्वाइन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह अभी खुश होगी है जब। और वीडियो ओए और कुछ नहीं होता। यार ये मक्खियों से डर रही है कसम से, ये वाली साइड है ना तो यहाँ पे मक्खियाँ फेर रही है ना, तो वो शाल इस वजह से डर रही है। आप लोग को बताता चलूँगी यार ये है कि फैसल मॉस्क, आप लोग मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब। तो ये है जी अल्लाह ताला का घर, आप लोग को पता है। और दूसरे नंबर पर आप हमारे साइड पर देख सकते हैं, इस साइड पे हमारी माउंटेन्स आती हैं। और माशाल्लाह कुदरती जखायर से भरा पड़ा, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इस जगह को बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि रौनक बख्शी है। तो माशाल्लाह हर बंदा यहाँ पर आता है
विजिट करने फैसल मोस को, तो ये भी इसका सबसे ऊपर वाला फ्लोर है। तो अब हम जो है ना इसके नीचे वाले फ्लोर पे चलते हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ वो एक ये तमाम एरिया में जो है ना कैमरा घुमाए ताकि आप लोग पता चल सके कि इस जगह क्या क्या कुछ है। जी तो फ्रेंड आप लोगों ने देख लिया इस टाइम, तो बस ये कुछ है, आप नीचे वाले फ्लोर पर चलते हैं। तो सो लेट्स गो। ये जी हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ रवा दवा, तो माशाल्लाह ठीक ठाक सीढ़ियाँ बड़े एहतियात से उतरेंगे, पहले उतरते हैं तो फिर वीडियो बनाते हैं, ठीक है। ये ना होना कि जनाब साहब आज वैसे भी बारिश हुई हुई है ना, तो इस वजह से फोन स्लिप भी हो सकते हैं। तो बी केयरफुल नाउ। चले सामने वाली सीढ़ियों से उतरते साथ ही यहाँ पर जी लाइब्रेरीज इस तरफ भी, और जो है ना इस तरफ भी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। यहाँ पे सामने जो है वो दावत रिसर्च लाइब्रेरी है, तो ये सारी लाइब्रेरी आप पता नहीं यार इसके अंदर जाते भी हैं क्या साहब है, बट हमारे पास टाइम थोड़ा है तो हम लोग फिर जल्दी जल्दी बस वीडियो छोटी छोटी बनाते हैं, तो फिर घर चलते हैं, बाकी जो है वो आप लोग को दिखाते हैं हम लोग। फ्रेंड यार आप लोगों को बताते चलूँगी यार इस वक्त ये जी सामने मिल्लत बुक सेंटर है जी, तो बुक शॉप है ये, यहाँ पर आप लोग अपने बुक्स वगैरह और जो बाकी चीज़ें वो सारी यहाँ देख सकते हैं, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। तो हमारे पास टाइम नहीं यार विजिट करने का, नहीं तो बंदा विजिट कर लेता है। और दूसरे नंबर पर यह है कि चलो अब हम लोग जल्दी से निकलते हैं यहाँ से और जाके खाना वाना खाते हैं और कुछ जो है ना पिक्स वगैरह खींचते हैं और फिर हम लोग घर चलते हैं। तो सो लेट्स गो। ये जी आप लोग देख सकते हैं इस टाइम दारुल मुतालिया प्राय अतफाल, तो ये भी आई थिंक लाइब्रेरी है कोई, तो काफ़ी सारी लाइब्रेरी थे माशाल्लाह यहाँ पर। बुक्स वगैरह आप लोग यहाँ पे आके कोई भी बाय कर सकते हैं, यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बट हमारे पास वही बात है कि टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो चले हम लोग अब घर चलते हैं। तो सो लेट्स गो। जी अपने शूज़ वगैरह उठा लिए हैं इस टाइम, तो यहाँ पर अभी वही वो लसीन नहीं है कि भाई जान टोकन दो और बाद में आके पे करो और फिर मतलब जो बंदा आएगा बस रख के चला जाए, तो बाकी वापस आने पर वो यहाँ से उठा ले। तो हम लोगों ने उठा लिया फाइनली। तो अभी हम लोगों ने यार कुल्फी उठा ली, मैंने कहा चलो यार ठंडी ठंडा हो जाए ज़रा, तो बहुत अच्छी बात है, तो बस इसलिए मैंने अभी कुल्फी ले ली है। तो अब खाते हैं यार, मेरा कोल्ड ड्रिंक भी ले लिया है, जो था वो दस्तरखान पे रखती है, और बस अभी जाके फैमिली के साथ खाना शाना खाते हैं और फिर घर के लिए निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और कैडपी भी जाना है। तो सो लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओए होए होए होए, ये देखो जी बंदर। हेलो कैसे हो, चपटा ना मार दे कहीं ऊपर। कैसे आगे कर रहे, चलो। ओए होए मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा एकदम ऊपर छलांग ना लगा दे। हो गया गया, ये दो तीन है यहाँ पर, खाली एक नहीं है। ओए ओए देखो कैसे चाड़ा यार ऊपर। भाई हैवी सीन दी। अच्छा ये दो है इस साइड पे ना, वो देखो ये दो है, वो ऊपर बैठ के खा रहा है यार, हैवी सीन भाई साहब। यार नेक्स्ट लेवल हो गया भाई। ये रोटी ले गए हैं हम, ये लो चलो खा लो, शाबाश। छोड़ दे छोड़ दे, इधर दे ना, चल जा दे, वो ले लेगा वो। ये खा बैठ के खा, ठहर जा चल, दे दे देना, ये लो खा लो खाना। हैवी सीन, शाल डाल रही है ये वो दूसरा भी आ गया, वो कह रहा तुमने मेरी रोटी खा ली, खा ले शाबाश, ओके लाफिज। जी तो फ्रेंड यार आप लोगों ने आई होप यार वीडियो देखी होगी और आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और मैंने और इशाल ने और फैमिली के साथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। तो बस अभी जल्दी से ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। इशाल इतराओ ना,
और आपको शाल कैसा लगा फैशन मॉस्क आगे? बहुत अच्छा लगा। ये जी सामने फैशन मॉस्क, अभी अल्लाफिज करने का टाइम आ चुका है। तो चलो यार ब्लॉग एंडिंग करते हैं। सो आई होप यार आप लोगों को ये वीडियो, ये ब्लॉग जरूर अच्छा लगा होगा, और अगर ब्लॉग अच्छा लगे प्लीज यार बोले बिना इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत। भाई और बहन को, भाई और बहन को दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।